हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। तो गाइज, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज पूरा चैनल विजिट करिए। इसमें आपको काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स एकदम सिंपल वे में समझने में और उनको यूज करने में हेल्प करेंगे। ये सब फीचर्स देखने के बाद अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रहा है तो अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। तो चलिए, जैसा कि आपने आज का कैप्शन देखा, आज हम लोग बात करने वाले न्यू इनोवा हाई क्रॉस में ड्राइव मोड के बारे में। अभी जो ड्राइविंग मोड है, ये एक स्विच में आपको टोटल तीन मोड मिलते हैं। वो क्या-क्या मोड है मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहां पे नॉर्मल मोड है, यहां पे आपको कुछ भी लिख के आ रहा नहीं है। फिर से अगर जब ये बटन को मैं प्रेस करूंगा ड्राइव मोड के, तो आप देख सकते हैं जो ईवी का आइकन आ रहा है उसके ऊपर PWR लिख के आ रहा है। अब ये जो PWR लिख के आ रहा है, इसका मतलब होता है पावर मोड। और आप देख सकते हैं पूरे डिस्प्ले पे आपको रेड कलर का इधर पे लाइटिंग देखने को मिल जाता है। अब ये जो रेड कलर का इल्यूमिनेशन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पावर मोड स्पोर्ट्स मोड जो है उसे आपने ऑन किया। फिर से आप जब इसी स्विच को और एक बार प्रेस करेंगे तो अब आप अगर नोटिस करेंगे तो ईवी के ऊपर जो है इको लिख के आ रहा है, और ये जो रेड लाइन्स थी और ये जो रेड इल्यूमिनेशन था वो आपको ग्रीन कलर में अब देखने मिल रहा है। तो अब ये तीनों मोड को एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर ड्राइव करके भी आपको तीनों मोड में डिफरेंसेस जो है वो आपको मैं बता दूंगा। सो सबसे पहले मैं इसे वापस से नॉर्मल मोड पे ले जाता हूं। अब मैं इसे नॉर्मल मोड पे ले गया, अब ये सिचुएशन में ये मोड पे गाड़ी जो है आपकी एक्सीलरेशन के हिसाब से बिहेव करेगी। नॉर्मली हर मोड पे आपकी एक्सीलरेशन के हिसाब से ही बिहेव करती है, बट पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो आपके एक्सीलरेशन पे है। यानी कि आप अगर लाइट एक्सीलरेशन दे रहे हैं तो एक हिसाब से आपको इकोनॉमी मिलेगी। आप अगर हार्ड है एक्सीलेटर पेडल के ऊपर, आप जोर से एक्सीलेटर पेडल प्रेस कर रहे हैं, तो वो केस में आपको ज्यादा परफॉर्मेंस और पावर मिलेगा। अब अगर यहां पे आप ड्राइव मोड को प्रेस करके PWR यानी कि पावर मोड पे गाड़ी को ले जाते हैं, जहां पे आपको सब चीजें रेड देखने को मिल जाती है, वो केस में होता यह है कि ऑटोमेटिकली जो सिलेंडर्स है उसमें फ्यूल सप्लाई बढ़ जाता है। अब जितना फ्यूल सप्लाई बढ़ेगा उतना ज्यादा पेपी आपको एक्सीलरेशन मिलेगा, यानी कि कम एक्सीलरेशन पे ज्यादा स्पीड आपको मिलेगी, जिससे आपको ड्राइविंग करने में मजा बहुत आएगा, बहुत अच्छे से गाड़ी ड्रैग करेगा, भागेगा, और आपका जो रिस्पॉन्स है एक्सीलेटर का वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा गाड़ी चलाने में आएगा। अब ये जो थर्ड मोड है ड्राइविंग मोड पे, जब मैं प्रेस करके यहाँ पे इको मोड यानी के इकोनॉमी मोड आ जाएगा, तो ये सिचुएशन में दो चीजें होगी। एक तो फ्यूल सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि आप स्लो चलाने वाले हैं गाड़ी, और वो केस में आपको फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव्ड मिलेगा। और उसके अलावा जो एसी भी है, एसी का भी इफेक्टिवनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये दोनों चीज कम होने की वजह से आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो जो है यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। तो चलिए आपको अब मैं गाड़ी ड्राइव करके बता देता हूँ। अब जब मैं इकोनॉमी मोड पे गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी एकदम सटल वे पे स्मूथली, जैसे आप सिटी वगैरह में ट्रैफिक में चला रहे हो, आप इस मोड को यूज कर सकते हो। आप अगर देखेंगे मैं एक्सीलरेशन दे रहा हूँ तो स्पीड जो है वो एकदम आराम से बढ़ेगा। मतलब जैसा नॉर्मल मोड पे या पावर मोड में भागता है ऊपर, वैसा ये भागेगा नहीं, क्योंकि आपने सिलेक्ट किया है इकोनॉमी। ये मोड में आपको इकोनॉमी ज्यादा मिलेगा, आपको फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बेटर मिलेगा। इसी के साथ अगर मैं ड्राइव मोड पे पावर मोड प्रेस कर देता हूँ, जो आप अभी देख सकते हैं PWR, तो उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो एक्सीलरेशन पे आप स्पीड देख सकते हैं कितना फास्ट ये ऊपर की तरफ जाता है। तो जो एक्सीलरेशन है उसमें डिफरेंस आ जाता है। आपको गाड़ी जब आप चलाएंगे तो ज्यादा मजा पावर मोड में आएगा, कम एक्सीलरेशन पे ज्यादा आपको पिकअप मिलेगा, और वो सिनेरियो में आपको गाड़ी चलाने में मजा भी बहुत आएगा। तो बेसिकली आपके ऊपर है, आपको आपकी गाड़ी से परफॉर्मेंस चाहिए, भगाना है गाड़ी, पेपी परफॉर्मेंस चाहिए, स्पोर्टी परफॉर्मेंस चाहिए, या आपको आपकी व्हीकल से इकोनॉमी चाहिए। तो ये दोनों मोड आपको दे दिया है कंट्रोल में, आप अपने हिसाब से ड्राइव कर सकते हैं। और जो तीसरा मोड है यानी कि जो नॉर्मल मोड है, उसमें आपके एक्सीलरेशन के हिसाब से ज्यादा गाड़ी बिहेव करेगा। ठीक है, तो होप ये आपको क्लियर है, तीनों मोड, नॉर्मल मोड, इकोनॉमी मोड और पावर मोड। इसमें आपको अगर कुछ भी डाउट है आप प्लीज कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका भी मैं आंसर आपको दे दूंगा। थैंक यू सो much